कोविड टीकाकरण में भारत हासल कला नुआ माइल खुंट 75 कोटी भारतीय को दिगला कोविड टीका डोज मात्र 13 दिन में 10 कोटी लोक नेले कोविड टीका भारतर उद्यम को प्रशंसा कला विश्व स्वास्थ्य संगठन। भारत में कोविड 19 टीकाकरण 750 मिलियन अर्थात 75 कोटी डोज पूरा होई एथिसह द्रुत टीकाकरण क्षेत्र में अन्य बड़ा बड़ा देश को पछरे पकाई भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारतर ही पदक्षेप को प्रशंसा करी भारत में प्रथम 10 कोटी डोज टीकाकरण 85 दिन समय लगी किंतु 65 कोटी रु 75 कोटी डोज पूरण मात्र 13 दिन समय लगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र आंचलिक निर्देशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह एने ट्वीट कर भारत को शुभेच्छा जनाइछंती। केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय एने ट्वीट माध्यम सूचना देवासह से लिखिछंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबका साथ सबका प्रयास मंत्र सह विश्वर सबुठ बड़ टीकाकरण अभियान लगातार नुआ कीर्तिमान स्थापन करुछि। देश स्वाधीनतार 75तम वर्षरे भारत में टीकाकरण 75 कोटी पार करितिबा ट्वीट जोगे प्रतिक्रिया रखिछंती केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री। आज हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे देश में 75 करोड़ वैक्सीन की डोज लगवाई जा चुकी है। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और भारत सरकार का जिन्होंने पूरे देश में फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाई। मेरी आप सभी देशवासियों से भी अपील है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगवाएं जिससे कि आप आपका परिवार और पूरा देश कोरोना वायरस से सुरक्षित रह सके। कोविड से जंग में कोविड को हराने के लिए टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारत के वैज्ञानिकों ने भारत में ही मेक इन इंडिया का टीका करने का बनाने का निर्माण करने का काम शुरू किया वहीं पर जन जन को मुफ्त में टीका मिले वैक्सीनेशन हो इसके लिए भारत सरकार ने पैसों का प्रावधान भी किया। मैं बधाई देता हूँ टीका लगाने वालों को भी और लगवाने वालों को भी कोविड वॉरियर्स को भी। चलित वर्ष जनवरी 16 देश में टीकाकरण अभियान आरंभ होता प्रथम पर्यायर स्वास्थ्यकर्मी टीकाकरण वर्तमान सुधा 6 राज्य और केन्द्रशासित अंचल समस्त साबाक अंततः गोटे लेखाएं कोविड टीका डोज नहीं सारी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।